सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे वर्दी जो टीम आई है, तहसीलदार साहब की टीम आई है, इनका वेलकम करते हैं। दे आर एक्टिंग एज द ऑब्जर्वर्स ऑफ दिस इलेक्शन दैट इज टुडे ऑन 8th of October, Sunday 2023। द मोटिव ऑफ दिस इलेक्शन इज कि हम यहाँ पर एक ऐसी रिप्रेजेंटेशंस दें जो कि हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी प्रॉब्लम्स को प्लीड करेंगे और जो भी हमारे डे टू डे इशूज़ को वो सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस है इलेक्शन का, मैं एज इलेक्शन इंचार्ज शक्ति कुमार बोल रहा हूँ। तो उसके लिए दो बैलेट बॉक्सेस रखे गए हैं, वन इज सेपरेटली फॉर वुमेन फोक, लेडीज फोक, एंड अनदर इज फॉर द जेंट्स। एक साइड से जेंट्स का क्यू आएगा, एक साइड से लेडीज का क्यू आएगा। टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपके सामने जो बैलेट बॉक्सेस है ये बिल्कुल ओपन है, इसमें कुछ नहीं है, इनको आपके सामने ही सील किया जाएगा और एक छोर बनाया जाएगा जहाँ से कि बैलेट अंदर जाएगा। सेम विल बी डन विद दिस बॉक्स ऑल्सो। द कंसर्न पर्सन प्लीज सील द बॉक्स, क्योंकि ये दोनों ओपन है, सारे हैं, कुछ इसमें नहीं है। ठीक है सर, हम इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे जो कैंडिडेट्स इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। ये विकास दर जी है, ये फेज टू में रहते हैं, और ये सुरेंद्र पंडवा जी है, ये भी फेज टू में रहते हैं। इनके पोलिंग एजेंट्स इनके साथ है जो कि मॉनिटर करेंगे कि जो ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हो रहा है ये फेयर एंड इन गुड स्लेट हो रहा है। ये हमारे पास बैलेट पेपर्स हैं जिनमें इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं, साथ में एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक। इस सर्कल पे जिस कैंडिडेट को जो मैंडेट देना है वहाँ पे स्टैंप करेगा, और सेपरेटली जो यहाँ पर हम दो कैबिन्स बनाए हुए हैं, इन कैबिन्स को प्रॉपर प्राइवेसी दी गई है, वहाँ पर इनको क्लोज करके फिर जाकर बैलेट बॉक्स में इसको डाला जाएगा। तो दिस विल बी द इलेक्शन प्रोसेस अप टू 4 PM। आफ्टर 4 PM वी विल स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ द वोट्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली अप टू 5:30 द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से वो दो बात कहें, क्योंकि जैसे अभी हमारे इलेक्शन इंचार्ज जो अभी इधर पे है बॉडी की तरफ से, इलेक्शन बॉडी की तरफ से, जी सर, जैसे उन्होंने बताया आज यही है कि मतलब यहाँ इस कॉलोनी में जो भी ये अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, ताकि इनकी डे टू डे इशूज़ जो है वो एक यूनानिमसली एक वॉइस के साथ रखें कि किसी भी फॉर्म के सामने उठा सकें और इशूज़ को डिस्कस करके उनका समाधान हो सके। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ इलेक्शन का ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें अभी हमारे दो कैंडिडेट हैं, एक्चुअली तो तीन का ये था, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का, दो पोस्ट जी सर, क्योंकि प्रेसिडेंट के उनका एक ही फॉर्म आया है, वो तो उसका कोई दूसरा आया नहीं है, तो वो इलेक्टेड है ही। अब तो जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे दो कैंडिडेट्स आए हैं, वो भी सामने हमारे हैं, एक विकास जी है, एक हमारे खंडता सिंह है, और उनके पोलिंग एजेंट्स भी जो है वो सामने हैं। जी सर, प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज पर द जो ऑलरेडी हमारे इंस्ट्रक्शंस है, तो उस हिसाब से इनके सामने जो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन सो फार एज प्राइवेसी इज कंसर्न्ड, ट्रांसपेरेंसी इज कंसर्न्ड, तो उसमें ये चेक होके ये सील हो जाएगा, बाकी जो प्रोसेस हो जाएगा जैसे अभी बताया कि उनको प्राइवेसी के हिसाब से कलेक्ट के हिसाब से वो एक प्रोसेस होगा अपने खास, तो जो भी एक सिर कैंडिडेट सामने आएगा उसका बाजार का होगा, तो बस यही हमने कहना है। तो अभी हम चार प्रोसेस को इनके सामने, कैंडिडेट्स भी सामने, इनके एजेंट भी सामने, पोलिंग बॉडी भी सामने हो रहा है, ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो हम भी यही है, तो इस चीज़ को स्टार्ट करके हम आगे साथ शुरू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।